जय श्री गुरु जी, एक प्रश्न है, मनसा वाचा कर्मणा, इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर कीजिए, और इसमें मतलब भगवान की भक्ति में, भगवान को प्राप्त करने में इसका क्या योगदान है, ब्रह्मचर्य में इसका क्या योगदान है, थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए इस चीज को। आपने कहा मन से, वचन से और कर्म से जो है कैसे पवित्र हो सकते हैं, कैसे पवित्र हो सकते हैं, तो पहली बात तो ये है ना कि मन जो है उसको अश्वरूप बताया गया, क्योंकि अश्व इस पृथ्वी पर ऐसा जीव है जो बहुत तेज दौड़ता है, या फिर चीता तेज दौड़ता है, लेकिन चीता जो है वो कुछ कम समय के लिए दौड़ पाता है, जबकि अश्व ज्यादा समय तक दौड़ता रहता है, ठीक है ना, तो ज्यादा समय तक मतलब बहुत लंबे समय तक दौड़ता रह सकता है। इसी तरह से जब अश्व दौड़ता रह सकता है तो मन भी लगातार विचारों की दौड़ दौड़ता रहता है, तो मन की संज्ञा घोड़े से की गई है, मन क्रम वचन। अब आपने कहा, लेकिन आपको पता नहीं है, आपने क्रम और वचन सिद्ध कर लिए और मन को सिद्ध नहीं किया, तो आपका तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मन को अपना मित्र बनाना पड़ेगा, या तो मन के पीछे दौड़ोगे तो दौड़ नहीं पाओगे, तब दौड़ना थक हारेगा दौड़ दौड़ कर, ठीक है, तब क्या होगा, तब दौड़ना बंद करना पड़ेगा और दौड़ने वाले को देखना पड़ेगा, तब दौड़ने वाले को देखते जाओ, साक्षी बन जाओ, तब अपने आप को साक्षी मानोगे और मन दौड़ दौड़ के अपने आप थक लेगा, बोला ये मेरे साथ तो चलता नहीं, फिर दौड़ने का कोई फायदा है भी नहीं, क्योंकि उस घोड़े को साथी चाहिए, क्या चाहिए, जो उस पे बैठ के यात्रा कर सके, ठीक है। अगर आप उस पे सवार नहीं हुए, लोग कहते हैं ना सवार होना पड़ेगा, सवार होने की जरूरत ही नहीं है, वो तो चाहता है आप लोग उस पे सवार हो, और सवार हो गए तो वो आपको अपना अपना जो जो दिखाता जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सवार नहीं हुए और वो भागता रहा तो वो थक जाएगा, उस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ठीक है ना, समझे नहीं, नहीं आगे ना। बहुत सारी महिलाएं जैसे रसोई बहुत अच्छी बनाते हैं, अगर उनकी तारीफ ना किया जाए आगे ना, और पति एक टाइम में जाके रसोई में देखे ना कि आखिरकार आज इसने क्या क्या बनाया है, तो उसको घिनाने लगती है कई बार, और वो दुखी हो जाती है, कष्ट में आ जाती है, इसी प्रकार से मन कष्ट में आ जाएगा। मन को अगर वशीभूत कर लिया जाए तो वो हमारा मित्र है, और वो अवशीभूत हो जाए तो वो हमारा शत्रु है। मन ही आत्मा है, मन ही पिता है, मन ही परमेश्वर है, लेकिन कब है, जब वो बिल्कुल शांति को प्राप्त हो जाए। एक, मन हमेशा दौड़ता रहेगा, मन में ग्लानियां उत्पन्न होंगी, मन में भेद उत्पन्न होगा, और मन जो है वो आरोहण ईश्वर में कर नहीं पाएगा, जब तक हम उसको ईश्वर के अवलंबन पर नहीं लगाते तब तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि मन ईश्वर से बिछड़ के ईश्वर को ही पसंद नहीं करता, यानी कि जब वो शरीर में, इस शरीर रूपी जो है घट में जब मन वास कर रहा है, उस समय में हम जितना भगवान को भजने की कोशिश करते हैं ये उसके विपरीत चलता जाता है, हम पूजा करने की कोशिश करते हैं तो ये उसके विपरीत चलता जाता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, विपरीत चलता है, तो इसका प्रेम ईश्वर में है नहीं, लेकिन ईश्वर से मिले बिना, ये अपने मूल प्रेमी को पहचाने बिना हमेशा जो किस में रहेगा, भग्न अवस्था में रहेगा, हमेशा विगलित रहेगा, हमेशा कष्ट धारण करेगा, लेकिन जब ये ईश्वर की ओर उन्मुख होगा और उसकी एक झलक भी पालेगा तब ये परम शांति को प्राप्त कर लेगा, ये ही परम शांति है, ठीक है ना, ये ही परम शांति है। और फिर जब ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, तब ये आपका आपको उच्च अवस्था में पहुंचा देगा, तब मन यहाँ सिद्ध होने के बाद क्रम और वचन दोनों सिद्ध हो जाएंगे, सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य क्या है ये आपको अभी ज्ञान से, मन से, वचन से, कर्म से, अभी ध्यान से, शरीर से, सब तरीके से सही रहे। ब्रह्मचर्य क्या है ये आपको पता नहीं है अभी, ठीक है। ब्रह्मचर्य ये है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जैसे बरसात का मेंढक होता है, वो बरसात में ही घूमता है, बरसात में ही उछलता है, सारी टटर वो बरसात में ही कर लेता है। क्या सर्दियों में मेंढक को टटर करते देखा है, तो क्या मेंढक मर जाता है, नहीं, वो किसी ना किसी ईंट के नीचे दबा हुआ बैठा है। अब उसने अपने प्राण को सिकोड़ लिया है, क्या सिकोड़ लिया है, प्राण को सिकोड़ लिया है, लेकिन बारिश की एक बूंद आते ही वो उछलने लगता है, वो बूंद ही ना पड़े, हमेशा सूखा रहे और हमेशा ठंड रहे, हमें ऐसा प्रयत्न करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि शरीर के अंदर
जो ब्रह्मचर्य है वो हमें काम के लिए भी धारण करना पड़ेगा, वो हमें क्रोध के लिए भी धारण करना पड़ेगा, वो हमें लोभ और मोह के लिए धारण करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि शरीर की शक्ति केवल धातु में है तो गलत बात है। तो फिर क्रोध तो धातु के रूप में नहीं आएगा, क्रोध शब्द के रूप में आएगा, आए ना, तब उसका आप पे इतना असर पड़ेगा कि वो धातु नष्ट होने से आपका शरीर खराब हो, उसमें विकार आए ना आए, लेकिन जब इस तत्व को, इस ये तत्व उजागर होगा क्रोध रूपी, तब आप में विकार आएंगे आएंगे। फिर भगवान कहते हैं कि क्रोध से काम उत्पन्न होगा, काम से लोभ उत्पन्न होगा, लोभ से मोह उत्पन्न होगा, तब आपको गीता का वह भगवान का श्लोक याद आएगा और तब आप पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने इस विषय को आपको गंभीरता से समझा है। तो असली ब्रह्मचर्य ये है कि आपके शरीर का काम तो मरे ही मरे, लोभ क्रोध मोह आदि भी खत्म हो और हमेशा उस भूमि पर सूखा पड़ जाए और ठंडी पड़ जाए जहां से ये वो उषर हो जाए, जहां से ये उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये मानव के शरीर में ऐसे ही छिपके बैठते हैं जैसे बरसात का मेंढक छिपके सर्दियों में ईंट के नीचे बैठ जाता है, लेकिन जरा सा जल मिलते ही, जरा सी बारिश की आहट होते ही वो उछलने लगता है, उसके पहले ही वो टर्राने लगता है। बोलो जय शनि। क्या आपको पुत्र विषय समझ में आया? समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन है।